नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनएचपीसी बैरासिल पावर स्टेशन की तरफ से। इंजीनियर्स के लिए अप्रेंटिसशिप का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस सभी के लिए अप्रेंटिसशिप है। सो चलिए इस अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो यह अप्रेंटिसशिप एनएचपीसी बैरासिल पावर स्टेशन की तरफ से अनाउंस की जा रही है। इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ साथ पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, यानी कि सैलरी के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे पूरे 1 ईयर तक। यानी कि 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल तक आपको पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे मिलते रहेंगे। सबसे पहले यदि हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करें तो टोटल 5 पोस्ट है, मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 4 पोस्ट है, और सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और आईटी इंजीनियर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1 पोस्ट है। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल मिलाकर 16 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई फीस की बात करें तो किसी भी स्टूडेंट से इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। एसटीएससी, ओबीसी और एनसीएल स्टूडेंट्स को एज में छूट दी जाएगी। स्टाइपेंड की बात करें, यदि आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाती है तो आपको 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, यानी कि 1 ईयर आपकी ट्रेनिंग चलेगी और आपको पर मंथ 9,000 रुपए दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट दिखाई गई जैसे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इनमें से जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में आपका 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं। सो यदि आपका बीई या फिर बीटेक नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बट जाने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिलेटेड यदि कोई भी जॉब आएगी तो आपको इस चैनल पर जरूर से जरूर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इस अप्रेंटिसशिप को वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका बीई या फिर बीटेक पास किए हुए 1/1/2022 यानी कि इस डेट तक 3 ईयर कम्प्लीट ना हुआ हो। और यदि आपने इसके पहले कहीं भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्वालिफिकेशन परसेंटेज के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन में नाम आ जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपको यह अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई की बात करें तो सबसे पहले आपको www.mhrdnats.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है हम आपको अभी बताएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन में ही एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म का प्रिंटआउट निकालना है, और फॉर्म का प्रिंटआउट निकालने के बाद उस फॉर्म को फिलअप करना है। वो कौन सा फॉर्म है और उसको कैसे डाउनलोड करना है हम आपको अभी दिखाते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक लिफाफे में उस एप्लीकेशन फॉर्म को रखना है, और इसके साथ साथ बीई बीटेक की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपको आईडी रखनी है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, आपको ये सब प्रिंट आउट करा के लिफाफे में भर के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रखना है। और उस लिफाफे को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और आपका जो लिफाफा हो 7/12/2021 यानी कि 7 दिसंबर तक इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप माना जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करने के बाद यही नोटिफिकेशन ओपन होगा। तो सिंपली जब आप नीचे चले आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आपको नीचे आना है, आपको बिल्कुल नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट पेज है, 4th नंबर पेज पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है।
इसी को आपको निकालना है, इसको आप प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है सभी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।